जय हिंद। आज आम जो टॉपिक उपरे आलोचना करने जाऊ जो स्टूडेंट मैंने प्लस टू पास करपिकटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तेणु जो पिला मैंने प्लस टू पास कर दयाकोरी भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत थे देखापी चेस्टा करूँ से ही स्टूडेंट मैंने जो मैंने कि गोटे चाकरी पायापी चाहते चाकरी विषय से जानापी चाहते जेहेतु आम मैंने बर्तमान प्लस टू पास करके आसीचु तो बर्तमान आम 18 वर्ष रु अधिक होमर बयस एवं 18 प्लस होती तो 18 बयस पार आमपाई अनेक सारा चाकरी अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट तरफ आम सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ तो से सब चाकरी के आम जब जाणी नपर जब बुझी पारे आम केमी अनलाइन आवेदन करवा आउ किपर भाव में चाकरी पाई तेणु तो यही चाकरी विषय में तुमको जाना बहुत ज्यादा दरकार और बहुत इम्पोर्टेंट मध्य जेहेतु तुम मैंने प्लस टू पास करके आस एवर्ष नुआ तो ए विषय जेहेतु तुमको टी आईडिया टी कम थी तो तो तेणु आशा कर आज भिडियो देखी सारापर तुमको ये जो जॉब नहीं कि किसी भी डाउट रहा तो से यही टॉपिक उपरको आगो को बढ़िया आगु तुमको मुझे जन देवाई चाहूँगी जे आमर जो यही चैनल अर्थात एग्जाम स्टेशन ले कौन भी जॉब रिलेटेड अपडेट तुमको दिज्वे ना तो गोटे सेपरेट चैनल आमर गोटे अच्छी जार नाँ हूँ जॉब अपडेट बाय चंदन तो से जॉब अपडेट बाय चंदन ले मुझ प्रत्येक थर जहाँ भी सब जॉब रे अपडेट आगे को आसापी जाऊँगी तार सब अपडेट सहित तार सिलेबस तार एग्जाम पैटर्न और केमी आम एग्जाम दे क्वालिफाई करवा तो जहाँ भी सब जॉब रो रिलेटेड सब मुझे जॉब अपडेट बाय चंदन चैनल देवी जार लिंक टी आमर आम यीडियोटे टाइटल ले मिल जाव तुम जब डेस्क्रिप्सन क्लिक करो से डेस्क्रिप्सन यार लिंक टी मिल जाव कि तुम जो यूट्यूब जब सर्च कर जॉब अपडेट बाय चंदन तो तुमको यही लोगोटा आसो तो यही लोगोटी हूँ मो चैनल लोगो जो थी कि आम विभिन्न जॉब रिलेटेड डिस्कशन कर ठीक अच्छे तो पे आज वीडियो आम आलोचना करवा जे एसएससी द्वारा आगो को आसपा जाऊँगी प्लस टू पास पाई बड़ निजुक्ति ठीक अच्छे तो प्लस टू पास पाई बड़ निजुक्ति पूर्व आम एसएससी विषय बुझा तो ये एसएससी विषय में मुझे संपूर्ण किसी तुमको से ही चैनल द्वारा तुमको गोटे वीडियो कर तुमको जनईदेवी एसएससी टोटल पूरा पूरी डिटेल्स कौन आज भिडियो में आम सम्यक किसी जाना आगो को आम पाई कौन सब चाकरी आसपाई जाऊँगी जहाँकि आज मेन टॉपिक जाना तेणु भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यटन तुमने देखो कि नहीं तुम निर्भर कै जदि भिडियोटी तुमने देखापी स्थिर कर प्रथम रु शेष पर्यटन देख जदि तुमने चाकरी पायापी चाहून चाकरी विषय जानापी तुमको इंटरेस्टेड ना तेणु यही भिडियोटी प्रथम एवं तुम स्किप कर दिखो कारण आगे तुमको सेमती एंटरटेनमेंट है सेमती किसी जिनस यही तुमने पाइब ना ठीक अच्छे तो प्रथम आम बुझा जो एसएससी कौन पे मैंने एसएससी कौन देखो तो तुमको गोटे लगो देखा देखी पार ए लगोटे हूँ एसएससी लगो तो एसएससी को आमर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गोटे गोटे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ठीक अच्छे एसएससी फुल फॉर्म हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जहाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा परिचालित हुए तो एसएससी द्वारा जहाँ भी सब पोस्ट बाहरी था आमको सब सेंट्रल गवर्नमेंट रे चाकरी मिलता है जमती आम सीबीआई ऑफिस रे मिलथिबो इनकम टैक्स ऑफिस रे मिलथिबो विभिन्न रेलवे डिपार्टमेंट रे मिलथिबो विभिन्न आम मिनिस्ट्री ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट रे सब चाकरी तुमको मिलबो जहाँ कि मिनिमम मुझे कहमि क्वालिफिकेशन तो 10th पास अच्छी प्लस टू पास अच्छी प्लस थ्री पास अच्छी आईटीआई अच्छी से पुणी डिप्लोमा अच्छी तो विभिन्न प्रकार चाकरी एसएससी द्वारा तुमको भरपूर थाए एवं कहवाक गले जार मिनिमम बयस कि 18 वर्ष जहाँकि ए वर्ष जो मैंने प्लस टू पास करेंगे से मैंने आराम से इलिजिबल हो पारे ठीक अच्छे तो तुमने जान लो तो एसएससी गोटे संस्था जो जहाँकि सेंट्रल गवर्नमेंट आमको चाकरी प्रोवाइड करता है यहाँ कौन फेक नो पूरा पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक अच्छे आर्ट्स सिलेबस अच्छी चाकरी बाहर एसएससी काम कौन ना एसएससी काम हो स्टाफ को सिलेक्शन करके जो ऑफिस रे जितको स्टाफ दरकार था ये दबो सेंट्रल गवर्नमेंट दरमा पे बहुत भल अच्छे स्टार्टिंग मिनिमम 19,900 रु 25,000 पर्यंत तार स्टार्टिंग आमको दे थाए ठीक अच्छे तेना अच्छा तो ये बुझे जाने एसएससी कौन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जमीक आम ओडिशा गवर्नमेंट अच्छे सेम सेंट्रल गवर्नमेंट रे थाए तो ये कौन सब पोस्ट बाहर तो पे मन रखे एटे बाहर एमटीएस बाहर एमर सीजीएल बाहर एएचएसएल बाहर एसएससी जीडी बाहर तो यही मुझे जितको पोस्ट कहली ए सब तुमको
टेन्थ कि प्लस टू पास तो तेणु एगुड़ा सब तुम मैंने आराम से कर आउ गोटे इम्पोर्टेंट कथा पे मैंने कौन जाच इम्पोर्टेंट कथ हो एस एस सी आम जब एप्लाय करवा आमको कौन सी टाँचा लगे ना कौन सी टाँचा लगे ना कि शहे टाँग लगे पुणी कौन ना जो मैंने एस टी होते जो मैंने एस सी होते जो मैंने जो गर्ल्स स्टूडेंट होते से जेनेल गर्ल्स हूँ एस टी गर्ल्स हूँ कि से एस सी गर्ल्स हूँ कि से ब्राह्मण गर्ल्स हूँ से जेकोसी गर्ल्स हूँ जेकोसी ओमेन मानी से मैंने फ्री रे आवेदन करेंगे से मैंने फ्री रे आवेदन करेंगे बाकी रहा आम जो ओ बी सी एस सी बी सी अर्थात जेनेल पुओ मानी केवल शहे टाँचा लगे बहुत कम हाँ कि नहीं शहे टाँचा आम तो एमती नित्यदिन लाइफ आम उड़े दौचे ठीक अच्छे तो ये शहे टाँचा पकईकि तुम मैंने एस एस सी रम को देपार तुम मैंने तुम्हें गोटे एग्जाम तुम गोटे दे पार ठीक अच्छे तो पाने प्रथम तुमको रेकमेंडेशन करी आग को एस एस सी जहाँ भी सब जब आसो तुमने से मानते तुम्हें जिते पढ़ कि न पढ़ जदि एस टी एस सी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट हो तुमने फ्री रे आवेदन करदी तुमने बॉयज स्टूडेंट हो जनरल बॉयज तुमको शहे टाँचा लगे तेणु तुमने निश्चित रूपे शहे टाँचा दे कि हो कि फ्री रे हो तुमने निश्चित रूपे थे आवेदन कर आवेदन कर सारापर आम तार सब सेंटर तार सब सेंटर थी एग्जाम तार सब सेंटर थी ठीक अच्छे एग्जाम आमर जो सेंटर कौन ना आम ओडा सी मुख्यतः पांच रु छटी कि आठटी काम एमती कौन दे कौन कौन दे ना बालेश्वर तार गोटे एग्जाम स्टेसन सरी एग्जाम खाली स्टेसन हो तार गोटे एग्जाम तार गोटे सेंटर थी ठीक अच्छे कटक भुवनेश्वर थाए ब्रह्मपुर थाए आ गए कौन आ गए हूँ राउरकेला बोधे तो एमती विभिन्न जगह जगार आम सब एग्जाम हाँपी सेंटर थाए तो आमर पाख जो मनकर गोटे पिला तार हूँ जाजपुर कि मयूरभंज भद्रक बालेश्वर तो ये पाला बालेश्वरटा पाख हम ना तो से बालेश्वर को जाकि फॉर्म को से जो आवेदन तरह करते तार एग्जाम देवे ठीक अच्छे तो कहीं तुमको कही पढ़ कि न पढ़ कारण आम जितने जो से प्रथम सीबीटी एग्जाम हो अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो आम जितने जो कंप्यूटर प्रथम एग्जाम देवा तार अनुभूति किसी निरा आम चाकरी पाए कि नपाय आम गोटे एक्सपीरियंस गोटे हो ठीक अच्छे तेणु आम प्रथम को आम तेणु ताको एग्जाम देवाई आम प्रथम चेष्टा करवा ठीक अच्छे तो एस एस सी कौन तुमने बुझल केते टाँचा लगे गोटे गोटे फॉर्म को बुझल कौन कौन सब पोस्ट आसे आसे बुझल एवं कौन होता है सिलेबस तो आमको मुख्यतः आमको चारिगोटी विषय पढ़ी एटारे परीक्षा देवाई पड़ो विभिन्न सारा पोस्ट अनुजाई भिन्न भिन्न तरीके तार कौन होता है ना तार एग्जाम टी होता है कितु सबुति यही चार विषय पड़ो कौन विषय पड़ो ना प्रथम आसव मैथमेटिक्स ठीक अच्छे प्रथम आसो मैथमेटिक्स आसव इंग्लीश आसव इंग्लीश आसव जिके आस कौन आस कहली जिके आस रिजनिंग कौन आसो रिजनिंग तो ये चारोटी विषय तुमको पढ़ी तुमको परीक्षा देवाई पड़ो तापाई बोध सब बही भी सब अच्छी बेस्ट बुक भी सब अच्छी तो विभिन्न प्रकार इनफर्मेसन तुमने पाइव से ही चैनल कौन सी केवल पाठपढ़ा प्लस टू प्लस थ्री क्लास और विभिन्न क्लास जहाँ भी सब आपको क्लास हम केवल यही चैनल जहाँ भी सब इनफर्मेसन देवी केवल से ही जॉब अपडेट बाय चंदन चैनल तेनाली सब्सक्राइब कर देखिए ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करा तुम के भूल ना ठीक अच्छे पे तो तुमने सब बुझीपाल तापर जो आज जो मेन टॉपिक अच्छे आग को कौन सब जॉब आसपाई जाऊँगी प्लस टू पास पाई तुमने देखी पार तो ये हूँ पे तुमको जो नोटिस देखा ये हूँ एस एस सी तार 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 गोटे कैलेंडर बाहर तो एस एस सी कैलेंडर जहाँ मेनसन करें कौन सी भी एपट सेपट हम ना तो ये यार अर्थ कौन ना एस एस सी 2022 मसीह जहाँ भी सब चाकरी आसपाई जाऊँगी तार सब इनफर्मेसन सी आमको ये लिखिकी दे देखिपार थे ये 22/3/2022 अर्थात तीन मैंने कौन मार्च मस तो आम मार्च सरी एप्रिल सब सरी आम ए देखा जे अक्टोबर मस पा कौन जब अच्छी तुमने ये देखिपार ये देखिपार कौन अच्छे देख 12 नंबर को देख रिक्रुटमेंट ऑफ एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 दिल्ली पुलिस पाई एमटीएस मांगुच तो यही तो आम एमटीएस कौन एमटीएस अर्थ तो मल्टीटास्किंग स्टाफ तुमको ये दिल्ली पुलिस मैंने तुमको ये पुलिस तुम जो ऑफिशियल काम करने पड़ो दिल्ली पुलिस अंडर में जोटी कि प्लस टू कि टेन्थ पास आमको मागि था जहाँ कि 7/10/2022 आरंभ हम एप्लाय अर्थात 7/10 मैंने कौन आज है 6 तारीख आसंता काली पाखु आरंभ हम डिटेल्स भिड तुम नहीं आसमि कौन सब सिलेबस अच्छी तार बेस्ट बुक कौन हम ठीक से सब विषय मुझे नहीं
ଆସିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଏ, ସିଜିଏଲ୍ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାହାରିବ 5/11/2022 ଠାରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5/11/11 ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ନଭେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର 5/2022 ପାଖରୁ ଆମେ ସିଜିଏଲ୍, ସରି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍, କମ୍ବାଇନ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଏଲ୍, ସିଜିଏଲ୍ ବି ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଜିଏଲ୍ ଆସିବ, ସିଜିଏଲ୍ଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଆରାମସେ ତୁମମାନେ ପାରି ହୋଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିବ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦେଖ ପୁଣି କ'ଣ ଆସିବ ନା, SSC GD ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ GD ଆସିବ, GD ଆସାମ ରାଇଫଲ ପାଇଁ GD ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଆର୍ମି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବେ, କି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିବେ, ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ବଏଜ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ସେମ୍ ଫି ରହିବ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବଏଜ୍ ପୁଣି ନୁହେଁ, କେବଳ ଜେନେରାଲ ବଏଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ SC 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ SC ST ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିବେ SSC ଦ୍ୱାରା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ MTS, ଯେଉଁଟାକି 2023 ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ MTSଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ, କାହିଁକି MTS ର ପୋଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଦରମା 19,000 ଆଗ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଥିଲା 19,900 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା, ଏଥର ସେଇ 20,000 ପାଖାପାଖି କରିସାରିବଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ମୁଁ MTS ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି କାହିଁକି ଭଲ ନାହିଁ, ଏତେ ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ସିଜିଏଲ୍ କି CHSL ତ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇପିଂ ପୁଣି ତୁମେ ଯଦି, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା ଦରକାର ଟାଇପିଂଟା, ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ରେ ଥିବ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ତ MTSଟା କାହିଁକି ଭଲ ନା, MTSରେ କୌଣସି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମକୁ ଟାଇପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁଣି 10th ପାସ୍, ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ନହେଲେ ବି ଇଏ ପୁଣି 10th ପାସ୍ ଜବ୍, ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ MTSରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସରେ ପାଇବେ, ସେ ଆମର CBI ଅଫିସରେ ପାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ରେଲୱେ ଅଫିସରେ ପାଇବେ, ତ ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ, ଏହିସବୁରେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲାରିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପୁରାପୁରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜା ଚାକିରି ନୁହେଁ କିରେ, ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚାକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, କ୍ଲିଅର୍ ହେଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ଏଇ SSC ଦ୍ୱାରା। ତ SSC ବିଷୟରେ ତୁମମାନେ ଆଜି ବୁଝିଲ, ଜାଣିଲ, ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ଆଗକୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାଇ ଚନ୍ଦନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସହିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ତ ଥରେ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।